दमोह के पथरिया विधानसभा अंतर्गत आने वाली सीतानगर सिंचाई परियोजना, जिसमें किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने और सिंचित भूमि को असिंचित बताकर बाजार मूल्य कम आंकने को लेकर पीड़ितों के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये याचिका अब सरकार के गले ही फांस बन रही है। एक तरफ हाईकोर्ट ने इस परियोजना के काम पर रोक लगाई है, तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता ही अपनी सरकार के नुमाइंदों पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों के साथ जो गलत हो रहा है उसे सरकार को देखना चाहिए। दमोह जिले की एक चौथाई से ज्यादा आबादी की तकदीर बदलने की बात कहकर बीते सालों में सरकार ने एक बड़ी सिंचाई परियोजना सीतानगर परियोजना के नाम से शुरू की थी। इस परियोजना के तहत सरकार इसमें 518 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है और इससे 20,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होने के दावों के साथ 100 से ज्यादा गाँवों को लाभ मिलने के साथ पेयजल का इंतजाम भी होना है। लेकिन एमपी सरकार के नुमाइंदों की अनदेखी और गलत रवैये की वजह से ये परियोजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। इस परियोजना के कारण ग्राम बरखेड़ा और चैनपुरा गांव जहां अलग बसाए जाएंगे, वहीं ग्राम मैनवार और सुमेर गांव के लोगों की ज्यादा जमीन जाने और उचित मुआवजा न मिलने के कारण लोगों ने याचिका दायर की थी और हाईकोर्ट ने उन्हें स्थगन दिया है। दमोह की सीता नगर परियोजना जिसमें मैनवार गांव की जमीन जबरदस्ती ली जा रही थी, मैनवार गांव की जमीन को सिंचित से असिंचित दिखाया गया प्रशासन के द्वारा, साथ ही साथ उनको मुआवजा जो चार गुना मिलना चाहिए था वो ना देके सिर्फ डबल दिया जा रहा था और उनसे उनकी जमीनों पर जबरन कब्जा लिया जा रहा था। इन सब बिंदुओं को लेके मैनमार गांव के लोग हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की। माननीय उच्च न्यायालय ने इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अंतरिम रोक लगा दी है जमीन लेने पे। एक तरफ हाईकोर्ट ने रोक लगाई, दूसरी तरफ अलग अलग इलाकों के किसान भी सरकार के खिलाफत करते सड़क पर है। जिले के बटियागढ़ ब्लॉक के किसान कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और अपने लिए न्याय की मांग की। तहसील बटियागढ़ में सीतानगर परियोजना के तहत जो चैनपुरा ग्राम है, इन गरीबों की अनुसूचित जाति के जो सदस्य हैं, इनकी 180 एकड़ जमीन सन 1970-71 से सोसाइटी की और सन 2019 तक इनकी सामूहिक कृषि के नाम से समिति रही है, लेकिन 2020 में शासन ने उसको शासकीय घोषित कर दिया। अब वो सीतानगर परियोजना डूब में आ रही है और 180 एकड़ का इनको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। ये गरीब बेचारे भूखों मर जाएंगे, फुटपाथ पे आ जाएंगे। 800 लोगों का भरण पोषण होता है उस जमीन से, बच्चों को और परिवार को, ये सब बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ज्ञापन देने आए हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को, जिसकी एक प्रतिनिधि माननीय कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय, माननीय जितने भी आला अधिकारी हैं सबको दी है कि इनके लिए मुआवजा राशि दी जाए। ये तो वहां से विस्थापित हो ही रहे हैं। इस परियोजना में हुई गड़बड़ी के चलते सिर्फ किसान और नागरिक ही परेशान नहीं, बल्कि खुद भाजपा के नेता भी सरकार और उनके तंत्र की मंशा के खिलाफ हैं। इस इलाके के पूर्व भाजपा विधायक लखन पटेल भी मानते हैं कि इस परियोजना से जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों के किसानों की तकदीर बदलेगी और सिंचाई का रकबा बढ़ने से आर्थिक संपन्नता आएगी, जिसे लेकर उनके कार्यकाल में तत्कालीन वित्त मंत्री जयंत मलैया ने जी तोड़ मेहनत कर ये परियोजना संचन कराई थी। लेकिन किसानों को डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा और किसान परेशान है। लखन पटेल कहते हैं कि वो किसानों के साथ हैं और पहले भी मुख्यमंत्री से इस मामले की बात कर चुके हैं और अब हाईकोर्ट के स्टे के बाद किसानों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। वो अगले हफ्ते सीएम से मिलकर जल्द निराकरण कराएंगे। सीतानगर परियोजना बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो हमारे जिले की सबसे बड़ी परियोजना है और उससे लगभग 110 से 15 गांव की सिंचाई होने वाली थी। जैसा मुझे अभी आपने आपके द्वारा माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि उस पर स्थगन हो गया है, क्योंकि कुछ गांव मैनवार और वहां के आसपास के जो गांव हैं, बरखेड़ा है, वहां पर मैं भी गया था, कलेक्टर भी गए थे, कैंप लगाया था वहाँ हम लोगों ने SDM के साथ कि जो लोग सिंचित जिनकी रकबे हैं उनको सिंचित का मुआवजा दिया जाए और कुछ असिंचित हैं उनको असिंचित कर दिया जाए।
किया? बिल्कुल किया जा रहा है। मैं खुद इसमें किसानों के साथ गया था, किसानों के पास मैं भी गया था, और उस समय जब कैंप लगाया था कलेक्टर वगैरह सब लोग सारे लोग थे। और देखिए, मैं तो किसानों के बीच में रहने वाला आदमी हूँ, मैंने उस समय पर भी कहा था कि इसको, ये किसानों के साथ कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसको न्याय मिलना चाहिए। जो सिंचित पूरा रखवा, यदि एक किसान 9 एकड़ ज़मीन सिंचित कर रहा है एक मोटर से, उसको 9 मानना चाहिए, 2 तो नहीं मानना चाहिए। तो मैंने कहा था उस समय, और माननीय मुख्यमंत्री इस बात से सहमत भी थे, और शायद वो व्यस्तता के कारण इस पर ज़्यादा गौर नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है स्थगन हो गया तो जल्दी इस पर ध्यान हो जाएगा। मैं अभी नेक्स्ट वीक में जा भी रहा हूँ, इसकी कॉपी आप मुझे अगर दे देंगे तो मैं सिंचाई मंत्री से जाके व्यक्तिगत रूप से उनसे चर्चा करूंगा, और प्रयास करूंगा कि मुख्यमंत्री जी से भी यदि बात मुलाकात हो जाएगी तो उनको भी ये स्थगन की कॉपी देके, हालांकि उनके पास जानकारी तो पहुंच ही जाएगी, इसका जल्दी निराकरण कराया जाए। बहरहाल, हाईकोर्ट के दखल के बाद एक बार फिर किसानों को उम्मीद जागी कि उन्हें न्याय मिलेगा, वहीं सरकार भी इस बारे में सोचेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सूबे में संबंधित अधिकारियों की असलियत जरूर सामने ला दी। दमोह से संवाददाता गणेश अग्रवाल की रिपोर्ट।